हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट बेस्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग 22 से 28 मई 2020 तक करंट अफेयर्स देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही हर क्वेश्चन का फैक्ट मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम है AR-500C। ड्रोन हेलीकॉप्टर यानी इसे एविगेशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। ड्रोन हेलीकॉप्टर दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। ड्रोन हेलीकॉप्टर 500 मीटर की ऊंचाई से 6700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, चीन देखिए, चीन मैप में यहां है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। चीन के सबसे बड़ा शहर है शंघाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीके नायर। भारत ने प्रेमनाथ नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल का स्थान पर की गई है। अब नाइजर गणराज्य की बात है तो नाइजर गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। नाइजर गणराज्य का राजधानी है नियामी। इसका मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति है महामोदो इसोफो। डेली आप यहां सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तबीयत खराब होने के कारण हम 1-2 दिन अब्सेंट कर दे रहे हैं। इसके बाद आपको 1 जून से डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम का नाम है @MyNextJobPlus। टेलीग्राम में 2019 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स का PDF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रिथ बिल नवरक्षक PPE किट विकसित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेवी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ब्रिथ बिल नवरक्षक PPE किट विकसित की है। यह PPE किट COVID-19 महामारी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए है। यह PPE किट अन्य कवर PPE किट की तुलना में आराम प्रदान करेगी। नौसेना की बात है तो नौसेना का स्थापना हुआ था 1612 में। नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम सृद्धि अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा। यह सब COVID-19 के कारण किया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। देखिए, मध्य प्रदेश की 5 पड़ोसी राज्य है जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शामिल है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है
बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है और 68 विधानसभा सीट है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिपंका नारायण। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य है जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्साई इंग-वेन। त्साई इंग-वेन ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान की बात है तो ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका राजधानी है ताइपे, मुद्रा है नई ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। यह पहल से खेल में निजी और सरकारी स्रोतों से ऋण और सहायता की सुविधा प्रदान करने के पात्र होंगे। मिजोरम की बात है तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। मिजोरम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 40 विधानसभा सीट है। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय लंबा। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य है जिनमें मणिपुर, असम, त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। बलबीर सिंह दोसांझ भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। वह 1965 के ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान थे। उन्हें 1957 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय हॉकी की बात है तो इसका स्थापना हुआ था 20 मई 2009 को। इसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। भारतीय पुरुष टीम के कोच है ग्राहम रीड। यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच है ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम के कोच है सोडे मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर सुमन गवानी। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएनए की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गवानी की बात करें तो मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। वे हाल ही में अपना मिशन पूरा कर भारत लौटे हैं। मेजर सुमन गवानी 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 मई। हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों को रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है, ठीक है। सभी मई के दिवस इस प्रकार है, आप पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले कोई भी व्यक्ति को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। की बात है तो बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं
सुशील मोदी। बिहार के गवर्नर है फागुन चौहान। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट है। बिहार के पड़ोसी देश में नेपाल है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुपात एवं समानुपात का 3 पार्ट हो चुका है, उसे आप लोग जरूर देख ले। उसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।